बाबुल अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन ने अतीक की एक और अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की है। कौशाम्बी प्रयागराज बॉर्डर की कोयलहा पर स्थित अतीक की अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की है। प्रशासन ने डुगडुगी बजवाकर अवैध संपत्ति कुर्क करने के आदेश को पढ़ा। एसटीएम की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई हुई। इस संपत्ति की कीमत करीब 25 करोड़ बताई जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज द्वारा कौ वार्ड संख्या डी 20220203004846 वर्ष 2022 दिनांक 6/8/2022 में पारित निर्णय आदेश के तहत कुर किया जाता है। यदि इसमें कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत प्रवेश करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज्ञा से जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज। कानपुर और प्रयागराज हाईवे पर लगभग 6 बीघा जमीन अतीक अहमद जो इंटर स्टेट गैंग 227 के गैंग लीडर हैं उनकी यहां पे अपराध अर्जित संपत्ति है, जिसकी रिपोर्ट एसडीएम चायल साहब से अभिलेख प्राप्त करके दी गई थी डीएम प्रयागराज साहब को, जिनके द्वारा 6/8 को एक आर्डर पारित किया गया है कि ये सभी संपत्ति जो यहाँ पे लगभग 6 बीघा जो करीब करीब 24 करोड़ से अधिक की है उसको कुर्क किया जाता है। उसी आदेश के कंप्लायंस पे ये संपत्ति कुर्क की गई है यहाँ पर मौके पर, और सर्वसाधारण को सूचित भी किया गया है कि ये संपत्ति कुर्क संपत्ति है और इसमें किसी भी प्रकार का प्रवेश या इसका उपयोग में लाना विधि विरुद्ध होगा। कोयलहा पर स्थित अतीक की अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की है। प्रशासन ने डुगडुगी बजवाकर अवैध संपत्ति कुर्क करने के आदेश को पढ़ा। एसटीएम की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई हुई। इस संपत्ति की कीमत करीब 25 करोड़ बताई जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज द्वारा कौ वार्ड संख्या डी 20220203004846 वर्ष 2022 दिनांक 6/8/2022 में पारित निर्णय आदेश के तहत कुर किया जाता है। यदि इसमें कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत प्रवेश करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज्ञा से जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज। कानपुर और प्रयागराज हाईवे पर लगभग 6 बीघा जमीन अतीक अहमद जो इंटर स्टेट गैंग 227 के गैंग लीडर हैं उनकी यहां पे अपराध अर्जित संपत्ति है, जिसकी रिपोर्ट एसडीएम चायल साहब से अभिलेख प्राप्त करके दी गई थी डीएम प्रयागराज साहब को, जिनके द्वारा 6/8 को एक आर्डर पारित किया गया है कि ये सभी संपत्ति जो यहाँ पे लगभग 6 बीघा जो करीब करीब 24 करोड़ से अधिक की है उसको कुर्क किया जाता है। उसी आदेश के कंप्लायंस पे ये संपत्ति कुर्क की गई है यहाँ पर मौके पर, और सर्वसाधारण को सूचित भी किया गया है कि ये संपत्ति कुर्क संपत्ति है और इसमें किसी भी प्रकार का प्रवेश या इसका उपयोग में लाना विधि विरुद्ध होगा।